हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू राजीव क्लासेस। माय सेल्फ राजीव कुमार सिंह, सीएमएन फैकल्टी राजीव क्लासेस। इस वीडियो में जो मेरा खास मकसद है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा एक ब्रीफ डिस्कशन। देखिए, आपको पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत रटना है, रटने वाला सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री ऐसा पोर्शन है, केमिस्ट्री का ये ऐसा पोर्शन है जिसमें सिर्फ रटने वाला पार्ट आता है। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में, आपको पता होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। खास करके मैं कोलकाता में बता दूँ, मैं बंगाल की बात करूँ तो मैं लगभग 6-7 साल पढ़ा रहा हूँ वेस्ट बंगाल में, और इक्वली तीनों पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और काफ़ी स्टूडेंट्स अभी तक IIT और मेडिकल में गए राजीव क्लासेस से, लेकिन कोलकाता में हार्डली शायद 1-2% टीचर हैं जो इनऑर्गेनिक पोर्शन को पढ़ाते हैं। और इंडिया में भी बहुत ही कम इंस्टीट्यूट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तवज्जो दिया जाता है, उन पर फोकस किया जाता है, बहुत ही कम इंस्टीट्यूट पे। कोटा की बात करें बिल्कुल वहाँ फोकस होती है। उसी तरह सेम राजीव क्लासेस है वेस्ट बंगाल में, जहाँ इनऑर्गेनिक का भी खास वेटेज रखा जाता है इंस्टीट्यूट में और उस पर खास फोकस किया जाता है। तो मैं ये जो वीडियो है ये नीट वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है, और साथ में जेईई मेंस स्टूडेंट और एडवांस स्टूडेंट्स को एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ किस टाइप से इनऑर्गेनिक को पढ़ना चाहिए ताकि आउटपुट आ जाए। मैं एक और बात बताता हूँ आपको, इनऑर्गेनिक भी अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट है। बात करें अगर फिजिकल केमिस्ट्री के कंपेरिजन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपेरिजन में, तो इनऑर्गेनिक भी वास्ट है। इसके भी बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, जहाँ बच्चे जुनून और जोश में स्टार्टिंग में उठा लेते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बुक का, और पढ़ना शुरू करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। लेकिन ये सब पुराने मेथड्स हो गए इनऑर्गेनिक पढ़ने के। आज हम डिस्कस करेंगे वो नए मेथड्स होंगे, और आप एक दिन में पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ के आप नीट में 16 क्वेश्चन बना सकते हो। अप्रोक्सीमेटली जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंगली जो अभी रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं नीट के, उसमें अप्रोक्सीमेटली 15-16 क्वेश्चन जो है वो नीट में इनऑर्गेनिक से आते हैं। और इस सब मेंस की बात करें जो NTA ने कंडक्ट किया है उसमें भी लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो मेंस में वो आया है। तो मैं पूरा इनऑर्गेनिक आप मेरे सामने बोर्ड पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक मैंने उठा के रख दिया है। तो इस वीडियो को आप 20-25 मिनट तक आराम से पूरा देखना, जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक आउटपुट नहीं आएगा। जो क्लास 11 स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, जो RCNs होंगे, जो नॉन RCNs होंगे, जो गार्जियंस होंगे, जो फैकल्टीज होंगे, मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ध्यान से प्रॉपर पूरा देखो और एक शॉर्ट नोट्स बना लो। आपका 12-13 क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ लग जाएगा। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं, देखिए इनऑर्गेनिक का स्टार्ट होते ही 11th क्वेश्चन की बात करें, जो रिपीटर होंगे तो खैर उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी, जानना आइडिया रहता है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जैसे आपने रिवाइज करने के लिए खोला तो क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो ध्यान रखना चाहिए बेसिक आइडिया कि इस ब्लॉक कहाँ है, पी ब्लॉक कहाँ है, डी ब्लॉक कहाँ है, ए ब्लॉक कहाँ है, क्या क्या एटॉमिक नंबर है, ये सब आइडिया होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है कि IUPAC नेमिंग होता है कि मान लो 100 एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का है तो उसका नेमिंग कैसे करना है, 110 किसी का है तो नेमिंग कैसे, अनिल बायो के प्रॉपर में आपको याद होना चाहिए। इसमें भी नीट में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। अगर सेकेंड बात करें, सेकेंड जो हम लोग का होना चाहिए कि कैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी साइज, बात करें एटॉमिक रेडियस, डेंसिटी, वॉल्यूम। डेंसिटी में कुछ एक्सेप्शन है जो इस ब्लॉक से रिलेटेड है तो आपको आइडिया होना चाहिए। सोडियम और पोटासियम के बीच में डेंसिटी का आपको पता होता है कि होना चाहिए आपका डेंसिटी पोटासियम का ज्यादा, लेकिन होता है सोडियम का, एक्सेप्शन है, तो इसमें थोड़ा खास फोकस रखना है। आगे बात करें आयनाइजिंग एनर्जी की, तो आयनाइजिंग एनर्जी में कुछ लाइक एक्सेप्शन है बोरोन वाले फैमिली में, तो पहले बोरोन की बात करते हैं, फिर थैलियम की बात करते हैं, फिर गैलियम की बात करते हैं, फिर आपका एल्यूमिनियम की बात करते हैं, फिर इंडियम की बात करते हैं। तो ये क्या होता है कि आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसे आता है। इस बार भी ऐसा क्वेश्चन आया है ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेस पे। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, उसमें एक्सेप्शन है सल्फर वाले फैमिली में, ये सब बेसिक आइडिया होना चाहिए। आयनाइजिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये अगर आइडिया रहेगा तो प्रॉपर वे में काम निपट जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग कि ऑक्सीडेशन से मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट। देखो मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट निकालने का तरीका N-8 to N, ये आपको याद होना चाहिए। N जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या होता है कि लोअर इलेक्ट्रॉन
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होने लगता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी से 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट जो हम लोग मूव करेंगे वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन, कि कोई भी दो एलिमेंट मिक्स कैसे करके कंपाउंड बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्यों हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी होना चाहिए। तो ये पूरा आपका जो है ये पूरा मिक्सिंग की वजह से क्या हो रहा है आपका कि हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता होना चाहिए कि sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये प्रॉपर वे में आपको आइडिया होना चाहिए किसका शेप कैसे इफेक्ट करता है। फिर उसमें bsp थ्योरी आपको पता होना चाहिए, लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर तुम्हारा बॉन्ड पेयर। तो ये पूरा प्रॉपर वे में साइज और शेप और ज्योमेट्री कैसे ये इंपैक्ट करता है लोन पेयर, ये आइडिया होना चाहिए। उसके अंदर बॉन्ड एंगल का आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे बॉन्ड एंगल चेंज होता है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल घटता है, रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल कैसे चेंज होता है। तो ये आपको आइडिया मिल जाएगा तो आप इजिली कर पाओगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद शेप और ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये क्लियर आपको होना चाहिए कि अगर टेट्राहेड्रल है तो उसके अंदर की शेप क्या होगा, कैसे कैसे लोन पेयर की वजह से वैरी करेगा। तो ये पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ शेप की, तो एप्लीकेशन ऑफ शेप और ज्योमेट्री क्या है कि आपको अगर शेप और ज्योमेट्री नहीं आएगा तो आप क्या क्या नहीं निकाल पाओगे। देखो, डाइपोल मोमेंट के बारे में आपको आइडिया नहीं पता चल पाएगा। तो डाइपोल मोमेंट आपको पता होना चाहिए कि पोलर है मॉलिक्यूल या नॉन पोलर है, पोलर बॉन्ड है या नॉन पोलर बॉन्ड है। तो ये पूरा अगर आपको ये आइडिया रहेगा तभी आप ये डाइपोल मोमेंट का भी आइडिया आप सॉल्व कर लोगे। आगे बात करते हैं एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। इसमें आइडिया होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं। इस बार भी क्वेश्चंस आया है, अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो जाए तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर एनर्जी कंपैरिजन आता है, जिसका इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, इसका एनर्जी ज्यादा होगा। आगे बात करें लैटिस एनर्जी की, बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी की, बात करते हैं कि मान लो कोई आयन पानी में मिक्स होता है तो कितना एनर्जी लिब्रेट करेगा, लिब्रेट नहीं करेगा। तो ये पूरा अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए। हम बात करेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या क्या चीज आता है कि जैसे हम लोग को मेनली जो क्वेश्चन आता है कि कार्बोनेट का स्टेबिलिटी और अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा रिलेट करता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है, बाइकार्बोनेट का स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी आपको पता होना चाहिए, सल्फेट का, नाइट्रेट का, ये प्रॉपर वे में आपको दम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। आगे बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट की, कार्बोनेट को हीट करने से ऑक्साइड पर CO2 बनता है, हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करने से कार्बोनेट पर CO2 पर H2 बनता है। तो ये अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए कि नाइट्रेट को हीट करने से क्या होगा, लिथियम का होगा या सोडियम का होगा, तो उनके बीच में क्या एक्सेप्शन है। तो ये थोड़ा जब आप पढ़ोगे तो ये वीडियो को ध्यान ध्यान से देखना। आगे बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ वैन डर वाल फोर्स की बात करेंगे, आयन आयन के बीच में, आयन डबल के बीच में लंदन फोर्स की बात करेंगे। फिर उससे रिलेट करेंगे आपका बॉलिंग पॉइंट की बात करेंगे, इसमें कि जितना ज्यादा मोलर मास होगा बॉलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। हाँ, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शन आपको याद होगी कहाँ कहाँ वैन डर वाल को डोमिनेट कर, हाइड्रोजन वाली फैमिली में एमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बावजूद उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाता है। रीजन है वहां क्योंकि BIS स्ट्रीम में वैन डर वाल फोर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। तो ये पूरा केमिकल बॉन्डिंग में इतना चीज इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे कि कंपाउंड का बेसिक आइडिया पता है कि सेंट्रल मेटल है, लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये एक्स बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर है और ऊपर जो है वो वैलेंसी है। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयन है सिर्फ वही जो है वो आपका ब्रेक होगा, अंदर वाले ब्रेक नहीं होते। इसको पूरा एक आयन काउंट करोगे आप, ठीक है। इसमें बेसिक आइडिया होना चाहिए प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कभी आयनाइज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी आपका आयनाइज होता है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे तो इसमें आपको IUPAC नेमिंग क्लियर होनी चाहिए। IUPAC नेमिंग तो JA1 से बहुत ही कॉमन है, आप बिलीव नहीं करोगे। तो उसमें कुछ आपको पता होगा कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो आप 8 लगा देते हो। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बेस्ड आया हुआ है। अगर हम बात करेंगे कि आपका जैसे एमीन में AMM हो जाता है तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट क्लू आपको याद रहेंगे, आपका काम निपट जाएगा।
अगर हम बात करें आइसोमरिज्म की तो स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर क्या होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में आपको पता होगा आयनाइजेशन आइसोमर, ठीक है, हाइड्रेशन आइसोमर, सॉलिड आइसोमर, ठीक है, आपका लिंकेज आइसोमर। तो लिंकेज आइसोमर कहाँ होता है, जहाँ एम्बिडेंट लिगेंड होता है, सीएन साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनेट, साइनेट, ये क्लियर होना चाहिए, नाइट्रेट ओ, नाइट्राइट ओ, ठीक है, प्रॉपर वे में कि किसके साथ लिंकेज है, इसकी वजह से लिंकेज आइसोमर होता है। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि आइडेंटिफाई कौन सा आइसोमर लिंकेज है, कौन सा सॉल्वेंट है, तो आइडिया होती है। स्टीरियो आइसोमर की बात करें हम लोग तो उसमें सिस और ट्रांस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर का क्लियर होना चाहिए कि एंगल अगर लेस देन 90 है तो सिस के अंदर जाएगा और एंगल अगर 180 है तो ट्रांस के अंदर आएगा। तो ये प्रॉपर वे में आपको बेसिक क्लियरेंस आपको होना चाहिए कि हाँ ठीक है कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। फिर उसके अंदर स्टीरियो आइसोमर की बात करेंगे, अगर बात करें ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिव है या नेगेटिव है, प्लेनोस्टीमेट्री आ रहा है या नहीं आ रहा क्लियर होना चाहिए। जिसमें आपको इसमें ट्रिक बता दूं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर टेट्राहेड्रल अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो आपका वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, और अगर वो स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री है तो वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा ड्यू टू मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ लेकिन कभी कभी उसमें भी एक्सेप्शन है जो जे एडवांस में पूछ सकता है, क्या होता है कि उसके अंदर अगर वो थोड़ा डीप में हो गया कि अगर लिगेंड के पास ट्रायल सेंटर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही मतलब थोड़ा सा हाई लेवल की बातें हो गया पर सब बोलूं तो ठीक है, फिर भी ख्याल रखना है। तो ये बेसिक आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो मेनली कॉर्डिनेशन नंबर 4 और कॉर्डिनेशन नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं। तो कॉर्डिनेशन नंबर 4 है तो DSP2 होगा और क्या होगा SP3, दो ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। अगर DSP2 है आपका तो स्क्वायर प्लेन इसमें मैं SP लिखा हूं स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री होगा, और अगर SP3 तो टेट्राहेड्रल होगा। देखिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए कॉर्डिनेशन कंपाउंड में आपको लिगेंड का आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड है या वीक फील लिगेंड है। जैसे CO कार्बन, जो भी कार्बन डोनर आइटम होगा वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड होगा। फिर नाइट्रोजन, उसके मैंने बताया था, फिर फास्फोरस, हैलोजन सबसे लास्ट होगा, हैलोजन आर वीक फील लिगेंड, CO क्या स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड। इसमें भी एक्सेप्शन है Ni(CO4) मैंने बोला CO स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड है उसके बावजूद उसका सिर्फ टेट्राहेड्रल होता है। तो ट्रिक बना सकते हो कि अगर स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो DSP2 होगा, कुछ एक्सेप्शन से मैंने आपको बता दिया, और वीक फील लिगेंड है तो SP3 होगा। जैसे NiCN2- इसका हाइब्रिडाइजेशन DSP2 होगा और NiCl2- क्या होगा SP3। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसके अंदर फिर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक यूज होता है। अगर कॉर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें हम लोग तो क्या D2SP3 और SP3D2, इस पे पेयरिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि तीन इलेक्ट्रॉन आपने अगर T2G ऑर्बिटल में आपने फिल कर दिया, इसके लिए आप CFT लगाओगे, CFT लगाओगे कि हाँ CFT आपका T2G और EG ऑर्बिटल, तो कैसे तीन इलेक्ट्रॉन के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन जब इंटर करेगा तो पेयरिंग होगा या पेयरिंग नहीं होगा वो किस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ लिगेंड पर डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड है या वीक फील लिगेंड है। तो उसके अंदर फिर होगा इनर ऑर्बिटल डी यूज हुआ है, आउटर ऑर्बिटल डी यूज हुआ है, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, कलर है या कलरलेस है, तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर वे में ये। इसमें कुछ एक्सेप्शन में बहुत दादू थोड़ा खास ट्रिक बता दूं आपको कि अगर PT का कंपाउंड है, PD का कंपाउंड है, 4D सीरीज और 5D सीरीज का कंपाउंड है तो उसके अंदर वीक फील्ड लिगेंड भी है तब भी उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा DSP2 हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। तो PtCl2- इसके अंदर पेयरिंग हो जाएगा, मैक्सिमम मिस्टेक करके आते हैं तो आप मिस्टेक करके नहीं आओगे क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। कलर के बारे में बात करेंगे, आपका मैग्नेटिक मोमेंट के रूट अंदर N(n+2) तो ये पूरा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये तीनों क्वेश्चन को आपने कर लिया तो 12 क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं, 12 क्वेश्चन तो यहीं से आता है, बाकी बचा फिर ब्लॉक्स। मैं नीट के खास बता दूं कि नीट में एलिमेंटल क्वेश्चन मतलब ब्लॉक से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, सब बेस्ड आता है आपका इन तीनों टॉपिक पे। तो अगर आपने इन तीनों में स्ट्रॉन्ग कर लिया तो काम बन जाएगा। ब्लॉक में क्या मैं फिर से बता रहा हूँ कि ब्लॉक में बहुत ही कम जगह पढ़ाया जाता है लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में मैंने बताया कि डेंसिटी का एक्सेप्शन आपको याद होना चाहिए, सॉलिबिलिटी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट नाइट्रेट। मैं बता दूं इसके अंदर कि अगर अल्कली मेटल की बात करें तो डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और सल्फेट इंक्रीज करेगा, और नाइट्रेट की बात करें तो आपका डिक्रीज करेगा। ये आपको ट्रिक याद होना चाहिए, और अल्कली मेटल का उसका उल्टा, अल्कलाइन मेटल का उसका उल्टा, नाइट्रेट का कॉमन रहेगा बाकी सबका आपको उल्टा कर देना है। ठीक है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, जैसे लिथियम है नॉन ऑक्साइड बनाएगा,
अगर सोडियम की बात करें तो वो पेरोक्साइड और कभी कभी सुपर ऑक्साइड भी बना सकता है। पोटासियम की बात करें तो वो ऑनली सुपर ऑक्साइड बनाएगा, उसको अगर हाइड्रोलाइज करवा दोगे तो आपका हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो अच्छे तरीके से याद होना चाहिए नॉर्मल ऑक्साइड और पेरोक्साइड क्या होता है, कलरलेस होता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड येलो कलर का होता है। इसीलिए कभी कभी सोडियम जो ऑक्साइड है वो येलो कलर शो करता है, क्योंकि उसके अंदर सम अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। सॉल्युबिलिटी इन अमोनिया, आपको पता है कि अगर आप अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल को अमोनिया सॉल्यूशन में आप डाल दोगे तो ब्लू कलर रिक्वायर करेगा, आपको आइडिया होना चाहिए। इट इज कलर कंपाउंड ड्यू टू क्या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये इसका ये पैराबैटिक है ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये आइडिया होना चाहिए। लेकिन जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो उसका कलर जो है ब्राउन चेंज हो जाएगा और पैरा से डायमेटिक बन जाएगा। सोल्विंग प्रोसेस कुछ हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड होता है, कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड होता है, तो आइडिया होना चाहिए। पहले मैं बात करूँ बोरोन फैमिली में, तो बोरोन फैमिली में B2A6 का प्रिपरेशन उसके आउटर प्लेन होता है, उसमें बनाना बॉन्ड होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना बॉन्ड होता है, वो आउटर प्लेन होता है, ठीक है। आपका नॉन प्लेनर कंपाउंड है तो अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए, तो उससे काम नहीं पड़ जाता है। कैसे प्रिपरेशन होगा B2A6 का, तो वो आप याद कर लो। इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में याद कर लो, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आए इनऑर्गेनिक बेंजीन की बात करें, बोरेक्स के बारे में बात कर लेंगे तो याद हो जाएगा। कार्बन के अंदर डायमंड ग्रेफाइट, ये दोनों क्या, जैसे डायमंड sp3 होता है, ग्रेफाइट sp2 होता है, आपको आइडिया होना चाहिए। डायमंड थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अगर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में क्लियर होना चाहिए। इस पे एक बार क्वेश्चन आया था एडवांस में, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे, N2O5 में कितना ऑक्सीजन स्टेट है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें एक बार एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन से ऑक्साइड में नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, N2O5 स्ट्रक्चर बना लोगे, NO आ जाएगा बॉन्ड, ठीक है। N2O4 डाइमर बना लेगा, NO2 आपका पैरामैग्नेटिक है, लेकिन पेयरिंग के बाद क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक होती है। इसके प्रिपरेशन आपको NCERT से आप रट लोगे, काम हो जाएगा। मेरे पास स्पेस इसे मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर में थोड़ा बेसिक्स आपको आइडिया होना चाहिए, बाकी कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर से काम बन जाता है। और नोबल गैस की बात करें तो उसके अंदर हाइड्रोलाइसिस ऑफ HgF2 HgF2 HgF4 HgF6 आपको अच्छे तरीके से एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर वे में होना चाहिए पी ब्लॉक के अंदर, थोड़ा नोबल गैस को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर बात करते हैं DNA ब्लॉक की, तो DNA ब्लॉक में आपको सारा बेसिक आइडिया है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा है, ऑक्सीजन एजेंट कौन सा अच्छा है, कैसे निकालते हैं। मैं पूरे इनऑर्गेनिक का एक ट्रिक और दे देता हूँ, जितना ज्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट काम निकल जाएगा। ये आपने ट्रिक लगा दिया, पूरे केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि जितना ज्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। मैंने इसमें ट्रिक लिखा है ABCD, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये प्रॉपर वे में कि एसिड, अगर हम कार्बोनेट की बात कर, अगर हम क्रोमेट की बात करें तो क्या होगा आपका, कि मैं बता दूं आपको, ऐसे स्ट्रिप को बना लो अच्छा रहेगा, क्रोमेट से डाइक्रोमेट AB, एसिडिक मीडियम में क्रोमेट से डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है और डाइक्रोमेट से क्रोमेट का बेसिक मीडियम में। तो ये आपको ट्रिक से याद होना चाहिए कि KNO4 का प्रिपरेशन, उसके कलर्स आपको याद होना चाहिए कि मान लो KNO4- है तो वो एसिडिक मीडियम में N+2 में जाता है, बेसिक मीडियम में N+2- में जाता है, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम में आपका +3 ऑक्सीजन स्टेट में जाएगा, तो +3 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो 513 आप ट्रिक याद करके रखो कि कैसे होगा, ठीक है। NO2 में जाता है, न्यूट्रल में बात करें NO2 तो +4 ऑक्सीजन स्टेट हो गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, 513। एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन और आपका बेसिक मीडियम में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरा अगर आपने ऐसे जस्ट कर लिया 13-14 क्वेश्चन लग जाने। देखो इनऑर्गेनिक में जो मैं कोटा की बात करूँ तो पूरा इतना बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, उस चक्कर में क्या होता है कि बच्चे बहुत नहीं पढ़ पाते हैं। मेरा आपसे सजेशन है कि अगर आपका इनऑर्गेनिक छूटा हुआ है, इंडिया किसी कोने में हो, तो आप इन तीनों टॉपिक को पहले स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर बाकी अपने आप क्वेश्चन आप बना सकते हो, काफी है। लास्ट में एक सजेशन आपको देना चाहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर बना लो SPDF के, काफी है, चाहे मेंस का बच्चे हो, चाहे एडवांस का हो या नीट के हो, प्रीवियस ईयर ब्लॉक का बनाओ, मोर देन सफिशिएंट है उसी को बनाओ। NCERT पढ़ना है तो पढ़ लो, अगर आप RCS हो तो NCERT बनी लो, नहीं कि मैं NCERT से ही बहुत सारे क्वेश्चन
बता देता हूँ, हर चीज बता देता हूँ, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से आप आइडिया रखो, ठीक है। तो नीट आने वाला है, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, कि बहुत अच्छा होगा। मैं हमेशा हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया का है। और देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लास्ट टाइम में क्या होता है, जब आप एक से डेढ़ मंथ होते हो तो आपकी जो इफिशियंसी है वो कहीं ना कहीं घट जाती है। उसी इफिशियंसी को मेंटेन रखो, इसके लिए हम लोग रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं। जो आरसीएस है उनको पता हो कि रिविजन यूनिट टेस्ट हम लोग करवाते रहते हैं, जो रेगुलर हर 5-5 दिन पे हो रहा है। तो प्लीज आप लोग जितना ज्यादा टेस्ट दे सकते हो और लास्ट मोमेंट में सिर्फ कॉपी को पढ़ो, आराम से आप इनोगिनी में 16 क्वेश्चन निकाल दोगे। तो ये वीडियो को आप शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और प्लीज जो मेहनत हम कर रहे हैं उस वीडियो को ऐसे स्टूडेंट्स के पास पहुंचाओ जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, सही वे में उनका प्रिपरेशन नहीं है, या उनको सपोर्ट चाहिए। और आप कमेंट करें, मैं डिफरेंटली और वीडियो अभी मैं बनाने वाला हूँ, मैकेनिक्स का एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि मैकेनिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं जिसके मैक्सिमम बच्चों का फिजिक्स का खराब रहता है। तो मैकेनिक्स में मेरा खास फोकस है कि उसे 12-13 क्वेश्चन आते हैं, तो मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट करो, मोटिवेट करो मुझे कि मैं और वीडियो आपके लिए रेगुलरली बनाऊं, हमारे फैकल्टीज बनाएं। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।